गुड मॉर्निंग। और आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे और अच्छे स्वस्थ मस्त होंगे। तो आप लोग देख रहे हैं इधर बकरियाँ के बच्चे हैं जो कि छोटे अभी जल्द के आए हुए हैं, जो कि 5-7 दिन हुआ होगा या 11-12 दिन करीब हो गया होगा। और बकरियाँ आज फिर भाग चुकी हैं और वो लोग को चल रहे हैं खोजने के लिए अभी, क्योंकि थोड़ा बनाने खाने में देर हो गया तो इसके लिए बकरियाँ भी भाग गई। और आप लोग वीडियो में बने रहें दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन वाली घंटी दबा लें दोस्तों। बाकी यही हमारा मजरा है जो कि बकरी फार्म, और इधर तो धूप है थोड़ा, आज धूप हुआ है नहीं तो धूप नहीं था। और दोस्तों बहुत टेंशन होता है, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि बकरियाँ भाग जाती हैं तो बहुत टेंशन हो जाता है, उसका भी बोली सुनो, इसका भी बोली सुनो, किसी के मजरे में घुस गई खजूर में तो उसका भी बोली सुनो। तो दोस्तों आगे ऊँट दिखाई दे रहा है जो कि आप लोग को ऊँट दिखाएंगे हम, और बकरी तो खोजते ऐसे चले जाएंगे जहाँ जाना होगा तहाँ तक, और ऊँट आप लोग को दिखाएंगे, वीडियो में बने रहें। और कुछ बकरियाँ इधर पड़ी हैं जो कि बच्चे उच्चे दिए हुए हैं बकरियाँ, तो वही सब हैं और बच्चे भी हैं। खाने पीने के लिए यहाँ पे छोड़ा जाता है बच्चे लोग को, जो बेचने वाले बच्चे रहते हैं वो लोग को छोड़ दिया जाता है इधर, थोड़ा खिलाया पिलाया जाता है। इधर जौ है, बरसिंग है, आप लोग देख रहे हैं जो ये जौ बरसिंग घास सब मिक्स करके खिलाया जाता है और खजूर के साथ खिलाया जाता है, खजूर भी खिलाया जाता है क्योंकि ठंड का मौसम है, इसके लिए खजूर खिलाना चाहिए और ज़रूरी पड़ता है, ठंड में थोड़ा गर्मी महसूस हो। बस यही सब है दोस्तों, ऐसे काम वाम होते रहता है। बाकी आप लोग को चलेंगे दिखाएंगे ऊँट, और ठंड में ऊँट भी परेशानी करते हैं, किसी का है भाग के आ रहे हैं जो कि उधर दिखाई दे रहा है, तो चलते हैं थोड़ा इनको पहले खोल लें, खोलने के बाद क्योंकि वो लोग भी आएंगे, हो सकता है मजरे में पानी वानी पीने के लिए हैं। दोस्तों ये ऊँट जो कि ऐसे जंगलों में पाए जाते हैं, ऊँट ज़्यादा हैं कम नहीं हैं, मेरे ख्याल से 30-32 के करीब में होंगे ऊँट। तो दोस्तों ये कहीं से भाग के आ रहे हैं जो कि हमारे मजरे के साइड में जा रहे थे, और मैं बकरियाँ खोजने निकला, मेरा बकरियाँ भी भागी है खोजने निकला, तो मैं सोचा कि एक वीडियो बनाए आप लोग को बीच लाएँ ऊँट का, जो कि देख ही रहे हैं यही रेगिस्तानी जहाज है जो कि रेगिस्तानों में बिना पानी के दौड़ते रहते हैं, घूमते रहते हैं, खाते पीते रहते हैं, एक एक महीना दो दो महीना तक ये लोग पानी भी नहीं पी पाते हैं, जब भाग गए तो निकल गए तो समझ लो कि निकल गए। तो आप देख सकते हैं चद्दर उद्दर पूरा लगा हुआ है दोस्तों, धाओ 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 धाओ, देख सकते हो दोस्तों। बाकी इधर भी है, ज़्यादा इधर है। तो दोस्तों बस हवा थोड़ा ज़्यादा है, आप देख रहे हैं जो कि हवा है, देखो हमको तो डर लगता है ये लोग से, फिर भी वीडियो बना रहा हूँ साथ में, क्योंकि पकड़ते हैं सर, एकदम पकड़ते हैं दांतों से मुंह से पकड़ लेते हैं ऐसे सर, तो इसके लिए थोड़ा सुना हूँ तो डर लगता है, बाकी देखा तो नहीं हूँ, बस सिर्फ सुना हूँ, आप लोग को बैक कैमरे से दिखा दिया, देख सकते हैं ये बस इधर तो सूरज है दोस्तों, लेकिन फिर भी सही है दोस्तों, ये देखें इतना सब ऊँट ऐसे चलते चले जाते हैं, पता नहीं कहाँ से आते हैं कहाँ को जाते हैं, और हम तो नहीं जानते किसका है, कोई है भी नहीं, आप देख रहे हैं जो जाएंगे हमारे मजरे में उधर पानी पीने के चक्कर में, ये लोग को भगाना भी पड़ेगा दोस्तों। तो दोस्तों ऐसे ही चराया जाता है बकरी हो या ऊँट हो, हाँ मेहनत तो दबा के लगता है, और ये लोग जब चल दिए मुंडी उठा लिए तो अपने चलने भर चलते हैं। और बकरियां भी वैसे ही होती हैं दोस्तों, बकरियां भी जब मुंडी उठा ली तो चल दी, और मैं जा रहा हूँ खोजने बकरियों को, बकरियां मैं देख रहा हूँ मजरे में आ चुकी है, और मजरा उधर दूरी पे है दोस्तों। तो बस यही आपसे कहेंगे कि सही है, फिर भी एक भाई काम है तो काम करना है, जो जिस काम में आया उसको करना है, लेकिन ये पता नहीं इसमें कौन सा आदमी है कि आदमी का पता ही नहीं है, और कहाँ से आ रहे हैं, मैं भी ऊँट ये पहली बार देखा दोस्तों। तो वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना, और ऐसे वीडियो में बने रहना, फुल सपोर्ट
अपने भाई को करते रहना, दोस्त को करते रहना। जब तक के लिए हम भी चलते हैं, ये लोग को थोड़ा निकालेंगे पानी पी के, पी लेने के बाद। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत, दुआ में याद रखना।